स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन एनिमल्स ठीक है एनिमल्स या ह्यूमंस में कैल्शियम और आयरन जो कि मिनरल्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है कैल्शियम और आयरन दोनों ही मिनरल्स माइक्रो हैं इस वजह से बहुत ही लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल क्या है फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ ठीक है बोन्स और टीथ की डिवेलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेमब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज ठीक है बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज और जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है इसके अलावा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एनजाइम्स ठीक है एनजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है एनजाइम्स वो सबस्टेंसेज होते हैं जो रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं ठीक है कैल्शियम ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग ठीक है ब्लड क्लॉटिंग जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड को क्लॉट कर रहे होते हैं थ्रोम्बिन या फाइब्रेनोजिन वगैरह तो उसके लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है ह्यूमंस को कैल्शियम कहां से मिलता है मिल्क से मिलता है चीज से मिलता है एग योग से मिलता है बीन से मिलता है नट्स और कैबेज से मिलता है ठीक है सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का क्या मतलब है ये सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है कि वो अपने अंदर आइन्स को अंदर या बाहर भेज सके ठीक है अच्छा आयरन क्या करता है आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज आयरन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स का अब जब ये हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है ये आयरन का सिंबल है ठीक है तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करवाता है ठीक है तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है ऑक्सीजन पहुंचाना पूरी बॉडी को इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स ठीक है वही बात है कि हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन तो ब्लड की प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन जो है वो मसल की प्रोटीन होती है सेल्युलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन ठीक है जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है सेल के अंदर ए बन रहा होता है तब भी आयरन की जरूरत होती है इसके अलावा आयरन जो है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एज अ को इस्तेमाल होता है यानी एंजाइम्स की हेल्प करता है कि वो रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकें ठीक है आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन इम्यून फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डिफेंस प्रोवाइड करने में बॉडी को ठीक है ह्यूमंस को आयरन मिलता से? से रेड मीट मिलता, योक होल, व्हीट ठीक है फिश स्पिनिच एंड मस्टर्ड सही है तो जो सरसों होता है बेसिकली मस्टर्ड ठीक है इसके अलावा ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट कैल्शियम एंड आयरन ठीक है ऑल राइट